कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, अभी अभी आता हूँ ऐसा कह के गए, आया से गोपियों अभी अभी आता हूँ तो आए नहीं। द्वारिका दूर नगरी, तो दूर नगर में जाके रहे कृष्ण। तो वृंदावन के सभी वासी ब्रजवासी विरह की व्यथा से पीड़ित थे, सब कृष्ण सब आश्चर्य होता है। और राधा रानी के विरह का तो क्या कहना, कि जब वहाँ वे आए और मिलन हुआ तो कुछ बहुत समय घुबरान सेवन 70-80 साल हो के उपरांत मिल रहे हैं, कृष्ण मिल रहे हैं सारे ब्रजवासियों के साथ, राधा के साथ। वृंदावन के जो भक्त हैं ब्रजवासी, वे भी कुरुक्षेत्र गए हैं इस संकल्प के साथ कि इस वक्त जब हम मिलेंगे कृष्ण बलराम से, आएंगे द्वारका, लेकिन हम उनको द्वारका लौटने नहीं देंगे, हम उनको वृंदावन ले आएंगे। वी वॉन्ट कृष्ण बलराम, वी वॉन्ट कृष्ण, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट कृष्ण। रथ में बैठ के आएंगे, हम तो गांव वाले हैं, गोकुल वासी, हम तो बैलगाड़ी में बैठे जाएंगे, वहां बुलक कार्ड हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन वे तो राजा है, द्वारकाधीश है, तो वे तो रथ में बैठ के आएंगे, तो हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, रथ में बैठे रहेंगे, रथ में बैठ के ही आए, वहां पधारेंगे तो हम स्वयं उस रथ को खींच के वृंदावन ले आए इस संकल्प के साथ। सो गया मतलब फिनिश्ड। तो रथ यात्रा के समय वही पर बताई देते हैं, तो एक सभा में, जिस सभा में द्वारकावासी बैठे थे, अलग अलग कैंप प्रजावासियों का टेंट तंबू और द्वारकावासियों का अलग से पड़ा है। द्वारकावासियों को रोहिणी समझाती है, क्या समझाती है, वृंदावन भक्तों के ब्रजवासियों के विरह की कथा, वृंदावन वासियों के विरह समझे, विरह विरह। रोहिणी जो सुना रही थी विरह की गाथा कथा, उन वृंदावन वासियों का हाल, जीना तो क्या जीना, अब क्या करोगे, कृष्ण के बिना, कोई बदमाश कहते बाहू के बिना, हमारे बाहू के बिना जीना तो क्या जीना। पाही पाही महाबाहो, बाहों के बिना जीना तो क्या जीना, ऐसा कोई कहता भी तो
कृष्ण के बाहों का अगर विचार करते हैं, जैसे उत्तरा ने कहा था, पाही पाही रक्षा करो रक्षा करो, पाही माम पाही माम, महाबाहो कृष्ण को समझ, हे महा आपके बाहो महान है, शक्तिशाली है, तो हे महाबाहो का बाहो महाबाहो पाही पाही तो ब्रजवासियों का जीना कठिन आया है, वो मर रहे थे कृष्ण के बिना। राधा कृष्ण प्राण मोर, राधा कृष्ण क्या है प्राण, और वे नहीं मिल रहे हैं, उनका अंग संग प्राप्त नहीं हो रहा, उनका दर्शन नहीं हो रहा था, मतलब प्राणहीन मतलब मरण ही हो गए, प्राण नहीं है, किस रूप में प्राण नहीं है, तो प्राण वायु वाला नहीं, राधा कृष्ण प्राण, वो प्राण वायु इज नॉट प्राण, वो प्राण नहीं है, राधा कृष्ण प्राण। तो रोहिणी जब समझा रही थी, समझाने जा रही थी, तो रोहिणी सोच सकती थी कि अब मैं जब इस बातें कहूंगी ब्रज द्वारका वासियों को, तो कृष्ण बलराम भी आने की संभावना है, और मैं नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती थी कि कृष्ण बलराम उन बातों को सुने, और वो ये भी जानती थी कि कृष्ण बलराम इनको हजम नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस, बड़े विचलित होंगे, बड़े विफल होंगे कृष्ण बलराम। ब्रजवासियों की व्यथा की कथा कृष्ण बलराम सुनेंगे तो उनसे सहा नहीं जाएगा, सहन नहीं होगा। तो ये व्यवस्था की गई थी कि सुभद्रा को कहा, सुभद्रा तुम गेट पर रहो और कृष्ण बलराम आते हैं तो कुछ कहो ताकि वे वहां से चले जाए, अंदर ना आए, उसे न सुने। तो रोहिणी ने सुनाना प्रारंभ किया उसे वासियों के व्यथा की कथा। हम भी थोड़े व्यथित होते जब आपको सोते हुए देखते हैं तो उसे सहा नहीं जाता। तो कृष्ण बलराम आ गए और सुभद्रा ने खुद समझा बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन शराब छोटी बहन है, अरे अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से तो सुन सकते हैं ना। उसको चुप किया सुभद्रा को, और अब कृष्ण बलराम और साथ में सुभद्रा भी, सभी के साथ वे भी सुन रहे थे वृंदावन के भक्तों की व्यथा की विरह की कथा है। रोहिणी का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रोहिणी का, वो सुना रही थी। तो वो जो सुना रही थी रोहिणी, तब कृष्णा नॉर्मल रेगुलर कृष्ण और फिर बलराम भी नॉर्मल और सुभद्रा भी, रोहिणी ने कहा ही था कि उनसे सहा नहीं जाएगा, बड़े विफल होंगे,
उनकी स्थिति, मन की स्थिति और उसके साथ शरीर की स्थिति परिवर्तन आ सकता है। तो वैसे ही हुआ और कृष्णा ऐसे बन गए जैसे जगन्नाथ, बलराम दाऊ जी बन गए जैसे आप दर्शन कर रहे हैं और सुभद्रा का निहाल वही हुआ। भक्तों के प्रेम की कहानी कही जब भगवान ने सुनी, इतना प्रेम करते हैं इससे वृंदावन के भक्त। उनके कल्पना से परे हुआ, कुछ तो कल्पना किए थे किंतु this is too much। सुन रहे थे उनकी आंखें, आई ओपनर कुछ बातें सुनते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, खुल जाती है, फिजिकली भी खुल जाती है। अब कुछ ऐसे बातों का पता चलता है जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो जैसे आंखें देख रहे हो कृष्ण जगन्नाथ की आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, तो रोहिणी के हर बात को वन एडिशनल बात को ही वो सुनाती और कृष्ण बलराम सुनते तो उनकी आंखें और भी बिगड़, उनके हाथ उनके पैर सब सिकुड़ गए अंदर प्रवेश किया। कछुआ होता है ना, कछुआ कुर्मो अंगानी व सर्वशः मान गीता में कहे, कुर्म अपने अंग को क्या कर सकता है, सिकुड़ लेता है, समेट लेता है, जब चाहे वो ऐसा फैलाता भी है। तो कृष्ण बलराम सुभद्रा के हाथ पैर भी ट्रंक ऑफ द बॉडी में प्रवेश किए, आंखें बड़ी बड़ी और कान मानो ने नहीं, बस हो गया दस ये ना इस जगह हम और नहीं सुनना चाहते। मानो उनकी आंखें उंगली से तो नहीं बंद कर रहे लेकिन आंखों को ही मानो उन्होंने उनको भी समेट लिया, नहीं और नहीं सुनना चाहते, नहीं सुना, ब्लॉक देयर आईज ईयर्स अंदर कान भी अंदर। और कृष्ण के ऐसे कृष्ण बलराम सुभद्रा की ऐसी स्थिति, भगवान के मन में कौन है, भक्तों का विचार है। भक्त का ध्यान करें, भक्तों के भक्ति का ध्यान, भक्तों के विरह की कथा व्यथा का ध्यान, और ध्यान से परिणत हुआ उनका शरीर विग्रह में ये परिवर्तन है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा ही हाल जगन्नाथपुरी में प्राय हुआ करता था। गंभीरा से निकल पड़ते कृष्ण की खोज में, या रात्रि के समय
corazón. Sonado, sonado. Padre, la mano sonado. Ahora sonado. Un poquito bien consonante. Más agua, como sonante. Ahí tenemos la función de Krishna Karanamrit ko Kashravan karte. Chandidas or Vidyapati, y presenta Kavi, Vaishnava Kavi, unke gitan ko sunte. Chaitanya Mahaprabhu. Katha ka shravan to Rai Ramanand se karte. Aur gayan Swarup Damodar, unse wo gayan sunte. Chaitanya Mahaprabhu ke bhavon ke anurup aisa bhav hai uske anurup unko aise geet usi bhav wale geeton ko Swarup Damodar sunate hai us gambhira mein inside ya Chaitanya Mahaprabhu rehte the kuch hi simit bhakton ko wahan pravesh hota tha. जैसे ये स्थान इतना संकीर्ण है, अधिक लोग रह भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो लिमिटेड लोग ही वहाँ जाते हैं, या भक्त जाते हैं, तो दो प्रधान परिकर रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर. कल हम जब गए कल परसों जब एक तो उस गंभीरा के बाहर ही जहाँ खड़े रहते हो, खड़े होके खिड़की में से देखते हो तो ऊपर चैतन्य महाप्रभु का एक रिलीफ चित्र नहीं थोड़ा क्या कहते हैं प्रदर्शनी डायग्रामा बनाया गया और दो व्यक्ति वहाँ हैं किसी को याद है remember? नोट किया फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड तो आपने फोटोग्राफ लूज योर मोबाइल तो वे दो एक राय रामानंद है इसे स्वरूप दामोदर है और ये दो कौन है ललिता विशाखा है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है तो राधा रानी की सहेलिया इस गीत में आगे लिखा है ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद तो कई सखी वृंद अष्ट सखिया और भी असंख्य सखिया मंजरिया तो उसमें प्रधान है ललिता विशाखा चैतन्य महाप्रभु राधा रानी उनके साथ पुनः उनके उनके रूप उनका विग्रह शरीर तो पुरुष जैसा है लेकिन वे का सारा भाव ललिता विशाखा जैसा तो स्वरूप दामोदर है ललिता राय रामानंद विशाखा तो उनसे फिर धीरे धीरे विश्राम करते हैं लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नींद नहीं आती उनका जगने का समय है जगने का समय यस राधा कृष्ण की लीला उसे अहर्निश 24 आवर्स अष्टकालीय लीला सारा संसार विश्राम करता है तो उस समय रात्रि के समय राधा कृष्ण गोपी कृष्ण सब जग जाते हैं और उनकी लीलाएं संपन्न होती है तो वही राधा चैतन्य महाप्रभु के रूप में रियली तो सब कैसे सभी तो विश्राम कर लिए
इस लीला में दर्शाया है। चैतन्य महाप्रभु अकेले ही कीर्तन गान करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मतलब क्या, कृष्ण को बुला रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं। ये पूरा महामंत्र क्या है, भगवान का संबोधन है। संबोधन समझते हो, संबोधन इज एड्रेसिंग द लॉर्ड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये कीर्तन करता जो है, जो भी कीर्तन करने वाले हैं, वे कह रहे ओ राधे ओ राधे ओ कृष्णा कृष्ण, पुकार रहा चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं। तो कृष्ण से मिलना चाहते हैं। माया सह रमस्व, हमारे आचार्यगण इस महामंत्र पर भाष्य लिखे हैं, कॉमेंट्री ऑन दिस हरे कृष्ण महामंत्र पर भाष्य, गोविंद भाष्य, वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे बलदेव विद्याभूषण और आचार्यों ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य और कई भाष्य, श्री उपनिषद भाष्य कॉमेंट्रीज। तो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर भी भाष्य लिखे गोपाल गुरु गोस्वामी, जो मायापुर जगन्नाथपुरी के ही रहे, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही थे गोपाल गुरु गोस्वामी। उनकी कॉमेंट्री छोटी सी है, वही प्रसिद्ध है। तो वह तो वे लिखते हैं एक 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 मन एक नाम, 16 नाम है महामंत्र में। कितने नाम है? 16 नाम है। तो हर एक हर नाम का